ऑन आर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी स्ट्रेंड जैसे आपको पता है कि हम ओ बी ई फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन डिस्कस किया है आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे ओके सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओ बी ई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का हरिओम टाटा सेट लिमिटेड इन्वाइस गुड्स टू इट्स मुंबई एंड कोलकाता ऑफिस एट ट्वेंटी परसेंट लेस देन दी लिस्ट प्राइस ओके लिस्ट प्राइस के ट्वेंटी परसेंट लेस पर आ जो है आपके दिल्ली ने मुंबई एंड कोलकाता को गुड्स डिलीवर की हैं विच इस कॉस्ट प्लस फिफ्टी परसेंट अब लिस्ट प्राइस जो है वो किसके इक्वल है कॉस्ट प्लस फिफ्टी परसेंट का है विथ इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल्स आर टू बी मेड एट इन वॉयस प्राइस कैश सेल्स जो है इन वॉयस प्राइस पर की है क्रेडिट सेल्स लिस्ट प्राइज पर की है ओके लिस्ट प्राइस आपका ग्रेटर देन है इन वॉइस प्राइज बिकॉज आप देखो इन वॉयस प्राइस क्या है वन ट्वेंटी है और लिस्ट प्राइज वन फिफ्टी है ओके okay? सो so हमें एक्सेस जो डिफरेंस है क्रेडिट सेल में थर्टी परसेंट उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा ओके लेट्स सी फॉर द क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक एट मुंबई Added cost, कॉस्ट ओके ओपनिंग बैलेंस है मुंबई मुंबई क्या है आपकी ब्रांच है एक और डेली हेड ऑफिस है ठीक है सो यहाँ पर ये कुछ डिटेल गिवन है हम देख लेते हैं डेटा गिवन है एंड लास्ट पर प्रिपेयर क्या करना है वन बाय वन हम सभी का फॉर्मेट प्रिपेयर करके ट्रांजेक्शन uh, को ट्रांसफ़र करते जाएंगे सो वी हैव टू रिक्वायर्ड प्रिपेयर मुंबई ब्रांच डेटर अकाउंट मुंबई ब्रांच स्टॉक अकाउंट मुंबई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मुंबई ब्रांच एक्सपेंसिस अकाउंट मुंबई ब्रांच पी अकाउंट ओके एज पर दी स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ये मेथड आपको बता दिया अगर नहीं बताया होता तो भी आप देखकर कर आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इतने सारे लेजर प्रिपेयर करने के लिए बोला है फाइव लेजर और ये फाइव लेजर हम कब प्रिपेयर करते हैं डॉक्टर स्टॉक एंड डेटर मेथड ही प्रिपेयर करते हैं सिर्फ डेटर मेथड में ये पॉसिबल नहीं होता है ओके सो लेट्स ट्रांस सभी का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें फॉर ऑल दी फाइव लेजर्स और सभी को हम ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिपेयर करना है डेटर अकाउंट तो इसको प्रिपेयर कर लें लेट्स सी सभी में हम वन बाय वन बैलेंस डालते जाएंगे जो जहाँ पर ट्रांसफर होगा सो so फर्स्ट है ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टॉक एट मुंबई एट इट कॉस्ट ओके एट इट कॉस्ट मतलब मुंबई ब्रांच को का जो बैलेंस है वो उसी की कॉस्ट पर है उसी की कॉस्ट मतलब इन प्राइस पर है आईपी प्राइस पर है तो आपको लोड अगेन ऐड नहीं करना है एज इट इज़ आपके स्टॉक अकाउंट में बैलेंस बी डी लिख देना है वन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओके okay, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर ये यह हमारा डेटा स्टॉक अकाउंट यहाँ पर लिखा है बैलेंस बी डी वन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट इट कॉस्ट इसकी ही कॉस्ट है ये देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सेंड टू मुंबई एट कॉस्ट टू डेली टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड ओके डेली की कॉस्ट है टू लैख ट्वेंटी और डेली की कॉस्ट पर मुंबई को सेंड की है गुड्स तो मतलब उसके लिए भी कॉस्ट हो गया बट मुंबई जो है अपना इन्वाइस प्राइस पर रिकॉर्ड करेगी इसलिए इसमें अभी ट्वेंटी परसेंट आपको ऐड करना होगा ओके टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट निकाल कर लोड मार्जिन उसमें ऐड कर देंगे देन उस प्राइस को लिखेंगे डेबिट साइड ब्रांच स्टॉक अकाउंट में बाई दी नेम गुड सेंड टू ब्रांच ओके लेट्स ब्रांच स्टॉक अकाउंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं टू लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड हो जाएगा आपका ट्वेंटी परसेंट ऑफ टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड जब आप ऐड करेंगे टू लैख ट्वेंटी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हेयर इज़ नेक्स्ट नेक्स्ट ओके है क्या सेल सेवेंटी फोर परसेंट पॉइंट सेवेंटी फोर पॉइंट एट परसेंट ऑफ नेट क्रेडिट सेल ओके तो नेट क्रेडिट सेल कितना यहाँ पर क्वेश्चन में नेट क्रेडिट सेल लास्ट में गिवन है टू लाख तो टू लाख का सेवेंटी फोर पॉइंट एट परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे वो आपका कैश सेल्स हो जाएगा और ये हमें नेट क्रेडिट सेल गिवन है देखो तो कहीं ना कहीं हमें सेल्स रिटर्न या फिर आ, कुछ और गिवन होगा इसके रिगार्डिंग ओके सो so, क्वेश्चन को देखेंगे तब पता चलेगा तो सेवे कैसे जो कैश सेल्स है वो कितना हो गया आपका सेवेंटी फोर पॉइंट एट परसेंट सी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हेयर इज ए कैलकुलेशन टू लैख नेट क्रेडिट सेल गिवन है उसका सेवेंटी फोर पॉइंट एट परसेंट निकाला सो वन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हमारा कैश सेल हो गया कैश सेल को कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ओके क्रेडिट साइड कैश सेल्स वन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और सेम क्रेडिट सेल टू लैख नाइन्टी थाउजेंड टू लैख नाइन्टी थाउजेंड क्यों बिकॉज टू लैख नेट क्रेडिट सेल्स है और नाइन्टी थाउजेंड सेल्स रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में ओके आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट ही है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू मुंबई देखो कस्टमर ने मुंबई को रिटर्न किया है मुंबई क्या है ब्रांच है मीन्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच क्या होता है सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न कहाँ पर आएगा, आएगा आपका डेटर्स अकाउंट में आएगा साथ ही आपके जो स्टॉक अकाउंट है उसमें भी आएगा सो so, ये हमारा ब्रांच डेटर अकाउंट सेल्स रिटर्न नाइन्टी थाउजेंड और यहाँ पर जो हमारी सेल है क्रेडिट सेल वो कितनी हो जाएगी इस सेल्स इस रिटर्न को ऐड करने के बाद टू लैख नाइन्टी थाउजेंड ओके टू पॉइंट है यहाँ पर देखो अगर आप सेल्स रिटर्न को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐड भी करना होगा अदरवाइज अगर आप सिर्फ नेट क्रेडिट सेल्स टू लैख लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर सेल्स रिटर्न नहीं लिखेंगे ओके okay, बिकॉज दोनों को लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा एंड सिमिलरली ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आप देखो क्रेडिट सेल टू लैख नाइन्टी हमने लिखा है साथ ही उसके ऑपोजिट सेल्स रिटर्न नाइन्टी थाउजेंड लिखा है सो so दैट वो बैलेंस हो जाए टू लैख ही आपका रिकॉर्ड हो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय मुंबई टू दिल्ली दिल्ली क्या है हेड ऑफिस है मुंबई इज ए ब्रांच तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न की है तो जब ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करता है तो कहाँ पर आता है स्टॉक अकाउंट में ओके okay, तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में गुड्स सेंड टू ब्रांच हेड ऑफिस सेवेंटी टू थाउजेंड नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इज ने लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ओके लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर क्या होता है आपका एबनॉर्मल लॉस होता है ओके एट इन वॉयस प्राइस पर गिवन है आपको ये लॉस ओके सिक्स थाउजेंड अगेंस्ट विच एटी परसेंट ऑफ कॉस्ट वॉज रिकवर्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी तो टोटल लॉस जो हुआ है सिक्स थाउजेंड ये आईपी प्राइस है मतलब इस पर लोड इंक्लूडेड है तो इसका वही ट्वेंटी बाई वन ट्वेंटी मतलब वन सिक्स लोड कैलकुलेट करेंगे तो वन सिक्स मीन्स वन थाउजेंड लोड हो जाएगा जो कि आप एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगी फाइव थाउजेंड कॉस्ट हो जाएगा ओके जिसे पी एन एल में ट्रांसफ़र करना है हमें डेबिट साइड में एंड इस फाइव थाउजेंड का ही एटी परसेंट रिसीव हुआ है क्लेम ओके लिखा है ना एटी परसेंट ऑफ कॉस्ट तो मतलब फाइव थाउजेंड का फाइव थाउजेंड का एटी परसेंट मीन्स फोर थाउजेंड आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है सो so ये भी आपका पी एन एल में क्रेडिट साइड में आएगा क्लेम रिसीव और जो कॉस्ट है वो डेबिट साइड आती है पी एन एल में एंड टोटल लॉस जो है एब नॉर्मल लॉस सिक्स थाउजेंड वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगा ओके यम अगेन रिपीटिंग यहाँ पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में टोटल लॉस आएगा एब नॉर्मल लॉस सिक्स थाउजेंड ओके देन सिक्स थाउजेंड का लोड एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड ये रहा आपका ओके वन थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड सॉरी फाइव थाउजेंड इन पी एन एल अकाउंट कॉस्ट वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस ओके एंड अगेंस्ट क्लेम रिसीव फाइव थाउजेंड का एटी परसेंट मीन फोर थाउजेंड ओके सो दिस इज द ट्रांजेक्शन फॉर दी एबनॉर्मल लॉस एंड क्लेम रिसीव्ड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज लॉस ऑफ गुड्स ऐट मुंबई थ्रू नॉर्मल प्लिप फ्रिज एट लिस्ट प्राइज ठीक है नॉर्मल लॉस है मीन्स लिखा भी है नॉर्मल प्लिप फ्रिज की वजह से हुआ है नॉर्मल लॉस है लेकिन ये जो नॉर्मल लॉस सिक्स थाउजेंड है ये कौन सा प्राइज है आपका लिस्ट प्राइज़ है वेरस हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आई पी कर पर कर रहे हैं ना इन्वॉइस प्राइज पर कर रहे हैं तो इस सिक्स थाउजेंड को हमें आई पी प्राइज़ में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सिक्स थाउजेंड इक्वल है किसके लिस्ट प्राइस के लिस्ट प्राइस इक्वल है आपका वन फिफ्टी आई पी है वन ट्वेंटी ओके सो वन ट्वेंटी बाय वन फिफ्टी कर देंगे सो so दैट हमारे पास आई पी प्राइस आ जाएगा सिक्स थाउजेंड रुपीज़ का ओके okay? so और इसको रिकॉर्ड कहाँ पर करेंगे नॉर्मल लॉस को स्टॉक अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे टोटल वैल्यू यर यू कैन सी सिक्स थाउजेंड वन ट्वेंटी बाय वन फिफ्टी फोर्टी एट हंड्रेड टोटल नॉर्मल लॉस है एंड नॉर्मल लॉस को डिवाइड नहीं करते लोड और कॉस्ट में डायरेक्टली एज इट इज़ हम एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख देते हैं फोर्टी एट हंड्रेड एज पर द रूल नॉर्मल लॉस ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज डेटर्स का बैलेंस गिवन है डेटर्स एट मुंबई ओपनिंग बैलेंस ट्वेंटी थाउजेंड क्लोजिंग बैलेंस ट्वेंटी टू थाउजेंड ओके सो हेयर इज ए डेटर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ट्वेंटी थाउजेंड बैलेंस बी डी है एंड ट्वेंटी टू थाउजेंड बैलेंस सी डी है नेक्स्ट एडजस्टमेंट कैश रेमिटेंट बाय ब्रांच मुंबई ब्रांच टू हेड ऑफिस इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ये एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन गिवन है अगर कोई आइटम मिसिंग होता ना तो इसका यूज़ हो सकता था जैसे कैश रिसीव्ड अगर मिसिंग होता कैश सेल्स मिसिंग होता क्रेडिट सेल मिसिंग होता तो इसका यूज़ हो सकता था बट अभी इसका यूज नहीं है बिकॉज तो सभी आइटम गिवन है क्वेश्चन में सो so, इसको इग्नोर करेंगे नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स डेटर्स मीन्स कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो so, कस्टमर को जब डिस्काउंट देते हैं तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे साथ ही पी एन एल में रिकॉर्ड करेंगे एंड ब्रांच एक्सपेंसिज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे सो सी ब्रांच डेटर अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी क्रेडिट साइड ब्रांच पी एन एल अकाउंट ब्रांच पी एन एल अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज़ एंड सिमिलरली एक्सपेंसेस है क्योंकि हमारे लिए सो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में भी लिखा है डिस्काउंट अलाउड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज नेक्स्ट एडजस्टमेंट गुड्स रिसीव बाय मुंबई टिल क्लोज ऑफ द ईयर ओके मतलब एट द एंड जो है ब्रांच को इतना स्टॉक रिसीव हुआ है एज जो हेड ऑफिस है उसने कितना सेंड किया था गुड्स uh, आपके ब्रांच को टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी परसेंट मतलब टू लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड का गुड्स सेंड किया था हेड ऑफ़िस ने ब्रांच को लेकिन ब्रांच को तो सिर्फ टू लैख फिफ़्टी फोर थाउजेंड का ही रिसीव हुआ है ओके टी टू लैख सिक्सटी फोर में से टू लैख फिफ़्टी फोर रिसीव हुआ इट मीन्स टेन थाउजेंड स्टॉक जो है वो कहाँ गया वो दैट इज़ इन ट्रांजिट ओके सो टेन थाउजेंड गुड्स इन ट्रांजिट के नेम से आप रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ओके सो हेयर यू कैन सी लास्ट बैलेंस कैरेट डाउन स्टॉक इन ट्रांजिट डिफरेंस वैल्यू टेन थाउजेंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट फिफ्टीन परसेंट ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट्स एट ईयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ट्रेंड्स ऑफ द प्रॉम्प्ट पेमेंट ओके okay, क्या बोला आपको डिस्काउंट प्रोविज़न क्रिएट करना है फिफ्टीन परसेंट किसका प्रोम्प्ट पेमेंट एट द एंड जितना भी होगा और उसके बेसिस पर जो कि पिछला आपका ट्रेंड रहा है प्रोम्ड पेमेंट करने का प्रॉम मतलब इमीडिएटली पेमेंट करने का जो भी ट्रेंड रहा है ना उसके बेसिस पर इस ईयर का हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है ये थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट था ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग करवा सकता था इसको हम लब से लास्ट में करेंगे ओके okay? अभी छोड़ देते हैं इसे बाकी से भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं नेक्स्ट कैश रेमिटेंट बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस ओके एटीन थाउजेंड ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए कैश दिया है हेड ऑफिस ने तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में साथ ही ब्रांच पी एन एल अकाउंट में ओके सो ब्रांच पी एन एल अकाउंट इज हेयर एंड ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट ये है आपका ब्रांच एक्सपेंसिस एटीन थाउजेंड एंड ब्रांच पी एन एल ब्रांच एक्सपेंसिस एटीन थाउजेंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ब्रांच एक्सपेंसेस स्टिल आउटस्टैंडिंग ओके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में भी जाएगा सेम पीएनएल में भी हम रिकॉर्ड करते हैं कोई भी एक्सपेंसेस तो पीएनएल में दोनों में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे पी एन एल एज वेल एज इन एक्सपेंसिस अकाउंट सोच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस डेबिट साइड एक्सपेंसिज एंड पी एन एल ब्रांच आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड

ओके okay, तो अभी हमारा एक ट्रांजेक्शन हमने छोड़ा हुआ है उसको भी देख लेंगे उसके बाद इसका कमीशन कैलकुलेट करेंगे एंड लास्ट नेट क्रेडिट सेल ऑलरेडी हमने देख लिया टू लाख ,00 है हमने स्टॉक डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड किया क्रेडिट सेल को प्लस सेल्स रिटर्न के साथ में और आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया है टू लैख नाइन्टी थाउजेंड प्लस सेल्स रिटर्न के साथ नाउ लास्ट आप देख लेते हैं कि हमें जो फिफ्टीन परसेंट का प्रोविज़न क्रिएट करना है वो कैसे करना है ओके दैट्स इम्पॉटेंट क्योंकि उसके बिना तो आंसर आ ही नहीं सकता तो यहाँ पर देखो ये कैलकुलेशन की है कुछ वर्किंग नोट में प्रॉम्प्ट पेमेंट प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स फॉर ऑफ डिस्काउंट ठीक है मतलब आपने उनको ही तो डिस्काउंट दिया होगा जिन्होंने इमीजिएटली पेमेंट की है या फिर जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे हमने उनको डिस्काउंट दिया फिर उन्होंने पेमेंट कर दिया तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने डिस्काउंट के बेसिस पर पेमेंट किया है ट्वेंटी टोटल डिस्काउंट अलाउ कितना था ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी एज पर दी क्वेश्चन तो वो फिफ्टीन परसेंट हमें निकालना है पहले उसका हम हंड्रेड परसेंट करेंगे क्योंकि इन टोटल निकालना है ठीक है हंड्रेड बाई फिफ़्टीन गया वन लाख सेवेंटी एट थाउज़ेंड टू हंड्रेड हो गया देन टोटल डेटर्स हु मेड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर ओके टोटल बताने जिन्होंने की डिस्काउंट की वजह से पेमेंट किया है या फिर जिन्होंने आपको विदाउट डिस्काउंट भी पेमेंट किया है तो वो हैं आपके ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन थर्टी डिस्काउंट अलाउ प्लस वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड टू फिफ्टी ये कैसे आया है ये आपका डेटर्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है कैश रिसीव्ड यू कैन चेक ये हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट है और इसका फाइनली बैलेंसिंग फिगर जो आया है कैश रिसीव्ड आपको हुआ है डेटर्स से ठीक है वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस कर दिया प्लस डिस्काउंट अलाउड सो आपके टोटल डेटर्स हो गए वन नाइन्टी एट थाउजेंड ना और रेशो कैलकुलेट करेंगे टोटल डेटर्स वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड एंड जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट वन लाख सेवेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू मई हंड्रेड सो रेशो हो गया नाइन्टी परसेंट ओके सो प्रपोर्सन ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट प्रॉम्प्ट पेयर्स टू दोज हु मेड द पेमेंट आ इज़ नाइन्टी परसेंट तो अब क्या बोला है आपको क्लो एट एंड क्रिएट करना है प्रोविजन तो एट द एंड वाले डेटर्स कितने हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड है क्लोजिंग डेटर उसका नाइन्टी परसेंट मीन नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड अब नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड का फिफ्टीन परसेंट प्रोविज़न बनाना है तो उसका हमने फिफ्टीन परसेंट निकाला सो हमारा फाइनली आंसर आ गया टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज़ का प्रोविज़न क्रिएट करना है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे पी एन एल अकाउंट में सो so, यहाँ पर देखो ये हमारा पी एन एल अकाउंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एज पर दी वर्किंग नोट हमने कैलकुलेट किया टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज़ ओके आप सभी कैलकुलेशन कर लिए उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है थर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटीन ओके उसका सिक्स बाय वन जीरो सिक्स किया सो हमारा मैनेजर कमीशन हो गया टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटीन और लास्ट में फाइनली नेट प्रॉफिट है थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ओके थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड आंसर आ रहा है ओके okay, एक बार हम सभी लेजर्स को बैलेंस कर लेते हैं स्टार्टिंग से सो so, फाइनली हमने सभी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र कर दी है कोई भी बाकी नहीं है आप हम इनको बैलेंस करेंगे सो डेटर्स अकाउंट का बैलेंस किया तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है सॉरी डेबिट साइड एक्सेस है आपका क्रेडिट से सो क्रेडिट साइड में आपका कैश रिसीव आ जाएगा ओके कैश रिसीव बिकॉज क्लोजिंग ऑलरेडी गिवन है ओके देन डेट स्टॉक अकाउंट का बैलेंसिंग किया है स्टॉक अकाउंट में भी हमें देखो यहाँ पर क्या रिकॉर्ड किया है ओपनिंग बैलेंस गुड सेंड टू ब्रांच सेल्स रिटर्न और ये मैंने बताया था आपको क्रेडिट सेल पे जो एक्सेस है ना थर्टी परसेंट उसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि आपने लिस्ट प्राइस पर इसको किया 150 है लिस्ट प्राइस वन फिफ्टी है जबकि हम इन्वाइस पर कर रहे हैं वन ट्वेंटी पर तो क्रेडिट सेल थर्टी परसेंट से एक्स्ट्रा है तो उस थर्टी परसेंट को एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कैसे किया है यहाँ पर देखो नेट क्रेडिट सेल कितना था टू लाख टू लैख ,00 का थर्टी बाई वन फिफ्टी ओके सो फोर्टी थाउजेंड हो गया फोर्टी थाउजेंड को यहाँ पर हमने अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दिया है स्टॉक अकाउंट में सो so दैट वो एडजस्ट हो गया ओके okay, और यहाँ पर क्रेडिट साइड में स्टॉक अकाउंट में है वन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का कैश सेल्स टू लैख नाइन्टी थाउजेंड टोटल क्रेडिट सेल है सेवेंटी टू थाउजेंड का रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस है सिक्स थाउजेंड नॉर्मल एब नॉर्मल लॉस एंड फोर्टी एट हंड्रेड नॉर्मल लॉस टन थाउजेंड गुड्स इन ट्रांजिट एंड फाइनली द बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है यहाँ पर फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड ओके देन इन सभी का लोड ट्रांसफर करेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट में ओके सो लेट्स कम टू दी एडजस्टमेंट अकाउंट ये है हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर पहले डेबिट से स्टार्ट करेंगे सो स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का हमने लोड कैलकुलेट किया है टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है टेन थाउजेंड इन ट्रांजिट है फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड बैलेंसिंग आया है तो टोटल हो गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड उसका वन बाय सिक्स फोर्टी टू हंड्रेड लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक देन अब नॉर्मल लॉस का लोड ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं वन थाउजेंड नॉर्मल लॉस टोटली ट्रांसफ़र कर दिया फोर्टी एट हंड्रेड एंड लोड ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस जो हमने सेवेंटी टू थाउजेंड का रिटर्न किया था ना मुंबई ने हेड ऑफिस को इसका भी लोड कैलकुलेट किया है अगेन सेम वन सिक्स वन बाय सिक्स और ट्वेल्व थाउजेंड है ये आपका ट्वेल्व थाउजेंड आ गया नाउ लेट्स कम टू द क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का लोड आएगा तो ओपनिंग स्टॉक कितना था वन लेख फिफ्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड उसका वन सिक्स सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लोड है देन गुड्स सेंट टू ब्रांच ओके गुड्सेंट टू ब्रांच मतलब गुड्स रिसीव जो हुई थी आपको टू लेख सिक्सटी फोर थाउजेंड की वन बाय सिक्स फोर्टी फोर थाउजेंड का यहाँ पर ये लोड हो गया देन है ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो एक्सेस हमने एडजस्ट किया है ना क्रेडिट सेल का थर्टी परसेंट वो वाला बैलेंस एज इट इज आ जाएगा ये यह यहाँ पर देख लेते हैं एक बार ये वाला अमाउंट है फोर्टी थाउजेंड इसको एज इट इज एडजस्टमेंट्स में से एडजस्ट कर लेंगे सो so, इसको एडजस्ट कर लिया यहाँ पर सो फाइनली ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट है एटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफ़र किया ये हमारा पीएनएल अकाउंट है क्रेडिट साइड में और पी एन एल अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड में क्या है क्लेम जो हमें रिसीव हुआ था फोर थाउजेंड का वो एंड बाकी सभी एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए आउटस्टैंडिंग ब्रांच एक्सपेंसेस एब नॉर्मल लॉस एंड डिस्काउंट अलाउ एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कर लिया वन सिक्स बाई वन ज़ीरो सिक्स एंड फाइनली नेट प्रॉफिट थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड जो कि हमारा आंसर है एंड ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट भी देख लेते हैं एक बार ब्रांच एक्सपेंसेस में क्या आएंगे ब्रांच एक्सपेंसेस एटीन थाउजेंड जो कैश दिया हैड ऑफिस ने ब्रांच को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिस्काउंट अलाव और फाइनली बैलेंसिंग फिगर फोर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व रुपीज़ सो दीज आर दी ऑल लेजर्स ऑल ट्रांजेक्शन जो हमें करनी थी सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वीडियो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग यू क्वेश्चन प्रीवियस सर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में भी आया है लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया है इसलिए आंसर अगर आपने सेम कॉपी पेस्ट किया है तो वो रॉन्ग है क्योंकि चेंज की वजह से आंसर जो है डिफरेंस हो जाता है तो अब जो एज़ पर द चेंज एज़ पर दी दिस क्वेश्चन ये आंसर आ रहा है अगर आपने बिना इस चेंज को देखे और आंसर को सेम कॉपी पेस्ट किया है तो वो गलत हो जाएगा इसलिए आपने आंसर को एक बार दोबारा से चेक कर लो कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं आपने चेंज को कंसीडर किया है या फिर नहीं किया है आप चें चेक कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ को खुद भी